2024 का चुनाव बेहद नजदीक आ गया है। ऐसे में सभी पार्टी राज्यों में रैली कर जनसभा कर अपना जादू बिखेरना चाह रही है। बात अगर प्रचार की हो तो सभी दल अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक रैली होनी थी। ये रैली वाराणसी के अंतर्गत आने वाले रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में 24 दिसंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। जैसे ही ये फरमान आया, वैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना शुरू हो गई। ये सब तो होता रहता है राजनीति में, ये सब तो पार्ट है ना राजनीति का, पॉलिटिक्स का, ये सब पार्ट है। ये तो शतरंज का है कि भाई शतरंज है वो, हम लोग अपना वो अलग, हम लोगों ने परमिशन नहीं दिया। उनके प्रभाव क्षेत्र का होगा कॉलेज, उसने नहीं दिया होगा परमिशन। और हम लोग नेता का कार्यक्रम का ऐसे जगह नहीं कर सकते। हम लोगों का है कि 1.5 लाख की भीड़ वहाँ जनसभा होगी, जो स्थिति है वहाँ की, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। वेट करके अगले जनवरी में करें, क्योंकि समय भी कम था ना तैयारी के लिए। अगर मतलब हम लोग समय लेते और परमिशन का प्रयास करते तो 3-4-5 दिन बीत जाता, फिर उसके बाद 5 दिन में इतनी बड़ी रैली होना संभव नहीं, इसलिए उसको अभी पोस्टपोन्ड किया गया। जैसा कि हमारे प्रभारी जो हैं सवन जी, मंत्री माननीय, उन्होंने कहा है कि उसको आगे हम लोग जनवरी में करेंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तानाशाही चल रही है। दरअसल रोहनिया के जनसभा में पूर्वांचल क्षेत्र के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को शामिल होना था। रोहनिया वाराणसी का पटेल बाहुल विधानसभा क्षेत्र है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार के फूलपुर से लोकसभा लड़ने की चर्चा थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने तैयारियों को लेकर एक बयान भी दिया था। हालांकि इसके बाद इंडिया गठबंधन की कवायद तेज हो गई और फिर बाद में ये चर्चा थम गई थी। लेकिन बीते दिन जेडीयू ने वाराणसी में रैली करने का ऐलान किया था, तो बीजेपी बनाम इंडिया की सीधी टक्कर अब देखने को मिल रही है। ऐसे में बीजेपी विपक्षी दल को अपने पैर पसारने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।